मैं अलग अलग रूट लेके जा रहा हूँ क्योंकि अलग अलग सीन है चारों तरफ। उससे लॉटन बर्नन के लिए, लॉटन बर्नन से मैं एक महीना, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप रेंटा कार ले लें। आते हैं तो एक दिन रखना है ऐसी चीज़ों के लिए कि बस आप घूम रहे हो पहाड़ों के बीच में सड़कों। हेलो दोस्तों, ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है। पिछले वीडियो में हम लोग इंटरलाकन से चले थे और वेंजन से होते हुए हम पहुंचे थे ग्रिंडलवाल्ड, और ये केबल कार हमें ड्रॉप करती है ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल पे, और यहाँ से हमें जाना है ट्रेन पकड़ के ग्रिंडलवाल्ड स्टेशन। ग्रिंडलवाल्ड अगेन एक अल्टरनेट हो सकता है स्टे करने के लिए, बट पर्सनली मेरे को पहाड़ और पानी दोनों में बहुत इंटरेस्ट है, इसके लिए मैंने इंटरलाकन को चुना। आज हम देखेंगे ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट और देखेंगे वहाँ क्या क्या है एक्टिविटीज करने के लिए। सो मैं ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट के इसमें बैठ गया हूँ, क्या बोलते हैं इसको केबल कार्ट, इतनी सारी केबल कार्ट हो गई कि नाम भूल गए कि केबल कार्ट बोलते हैं इसको, केबल कार्ट में बैठ गया हूँ। और ये तीन केबल कार्ट हैं टॉप पे जाने के लिए, ये साइड में मैप है इसका, तो ये तीन केबल कार्ट्स हैं और यहाँ पे चार राइड्स हैं। एक है फर्स्ट फ्लायर, एक है ग्लाइड, और एक माउंटेन कार्ट है, और एक वो स्कूटर टाइप का है खड़े होके चलाने वाला। अगर आप नीचे से इसका टिकट लेते हैं तो शायद 84 फ्रैंक्स में आपको दो एक्टिविटीज़ मिलती हैं, या आप 79 फ्रैंक्स में एक एक्टिविटी भी ले सकते हैं, वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो दो ही लें। उसमें आपका केबल का ये राइड जो है ये इंक्लूड होता है, अनलिमिटेड राइड्स हैं, जितनी बार आप चाहे नीचे आए जितनी बार ऊपर जाएँ। मेरे पास जो पास था वो यहाँ चलता है, तो मेरे को राइड का तो कोई पे नहीं करना पड़ा था, इसके लिए मेरे को सिर्फ कार्ट का मेरे को पे नहीं करना पड़ा, बट मेरे को सिर्फ राइड्स का पे करना पड़ेगा, वो मैं ऊपर जाके पे कर सकता हूँ ऑन द स्पॉट। और वो नीचे जो काउंटर पे लेडी थी वो बोल रही थी कि 20 फ्रैंक्स 25 फ्रैंक्स ऐसे ही है उनका जो चार्ज है पर राइड का, तो वो बट ये है कि आप कोशिश करें सुबह आएँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया क्योंकि मैं बहुत लंबा चक्कर घूमते घूमते आया अभी कुछ रहा। एक जो स्पेशली ये फर्स्ट फ्लायर वाली राइड है ये टोटली बुकड है, सोल्ड आउट है, अभी बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है, तो वो और टिकट सेल नहीं कर रहे हैं, तो मैं वो ले नहीं पाऊँगा। एक्चुअली मेरा वही सबसे ज़्यादा लेने का मन था। अभी ये ग्लाइडर वाली जो राइड है वो ओपन है, उसमें 40 मिनट का वेटिंग टाइम बोल रहा है, तो लेट्स सी ऊपर जाता हूँ, पहले देखता हूँ क्या सीन है, वहाँ पे लेता हूँ टिकट, राइड लेता हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी सिर्फ घूम के आ जाऊँ और राइड कल आके लूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो जो राइड लेने का मन था वो तो मिल नहीं रही है, तो मे बी ना लूँ राइड, ऊपर जाके मूड पे डिपेंड करता है वो, कि हो सकता है कल आके दोबारा राइड लूँ। स्विट्जरलैंड की मोस्टली केबल कार्ट की तरह इस केबल कार्ट से भी काफी ऑसम व्यूज थे, चारों तरफ माउंटेन दिख रहे थे और चारों तरफ हरियाली थी। यहाँ टोटल तीन केबल कार्ट्स हैं जो कि आपको पहुंचाती हैं ग्रिंडलवाल्ड के टॉप पे, जिसकी हाइट है 1034 मीटर्स, और टॉप पे पहुंचने के लिए लगते हैं अराउंड 25 मिनट्स। तो गाइज मैं अपनी पहली एक्टिविटी की तरफ जा रहा हूँ, एक ग्लाइडर टाइप का है, उसमें देखता हूँ ये गोप्रो ले जाने देंगे नहीं ले जाने देंगे, वो उधर जाके पता चलेगा। नीचे तो काफ़ी देर 40 मिनट वेटिंग जा रहा था, लेकिन ऊपर आके देखा अभी 5 मिनट वेटिंग दिखा रहा है, तो ठीक है 5 मिनट वेटिंग तो ठीक है, 40 मिनट होता तो शायद आज ड्रॉप कर देता आइडिया, कल आता दोबारा, अभी 5 मिनट वेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है मेरे सामने, एक्टिविटी हो गई। अभी गोप्रो उन्होंने लेके जाने नहीं दिया मेरे को, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कुछ बांधने का है तो आप लेके जा सकते हो, बट इसका जो लैंड यार्ड है वो ऑलरेडी घूम कर चुका हूँ मैं, तो लेके नहीं जा पाया। सामने रखा था, शॉट आपने देख लिया ऑलरेडी, पता नहीं कैसा आया, बट अगर वो लैंड यार्ड होता तो और अच्छा रहता। अभी जा रहे हैं ऊपर, एक यहाँ पे क्लिफ वॉक है वहाँ पे जा रहे हैं, उसके अलावा एक जिप लाइन और है जिसमें कि ऑलरेडी सोल्ड आउट बता रहा है टिकट्स, बट एक बार चांस लेके देखते हैं, अगर मिल जाए तो, अदरवाइज कोई नहीं अगली बार के लिए। अब
अपनी फर्स्ट एक्टिविटी करने के बाद और कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद मैं निकला अपनी सेकंड एक्टिविटी की तरफ। देखने में तो ये काफ़ी बोरिंग लग रही थी, बट करने में ये काफ़ी फन एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी करते हुए कई लोगों को अपने बचपन की याद आ जाएगी। यहाँ पे वैसे पैराग्लाइडिंग भी होती है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। और ये दो एक्टिविटीज करने के बाद मैं निकल गया वापस इंटरलाकन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो चुका था और 6 बजे के आसपास केबल कार भी क्लोज हो जाती है। तो अगर आप 6 बजे से ज्यादा रुकते हैं ऊपर तो आपको ट्रैकिंग करके नीचे आना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे ट्रैकिंग काफी ब्यूटीफुल है, व्यूज काफी ऑसम है, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम की कमी है तो बेटर है आप 6 बजे वाली आखिरी केबल कार पकड़े और नीचे आ जाए। मैंने गाइस काफी जगह से सोविनियर खरीदे, बट ग्रिंडर वर्ल्ड में आपको सबसे कम रेट पे सोविनियर मिल जाएंगे। मैं इंटरलाकन में ट्राई किया, जूरिक में ट्राई किया और भी काफी जगह पे ट्राई किया, बट ग्रिंडलवाल्ड के प्राइस सबसे कम थे। और कुछ ही टाइम में बाहर के सुंदर सुंदर व्यूज एंजॉय करते हुए मैं पहुंच गया इंटरलाकन। सो गाइस मैं आ गया अपने स्टेशन पे वापस इंटरलाकन और मैं अभी जा रहा हूँ हार्डर क्लूम। ये एक वो माउंटेन के ऊपर एक कुछ रेस्टोरेंट है और कुछ व्यूइंग डेक है वहाँ पे है, और वहाँ पे एक स्पेशल ट्रेन चलती है, वो बिल्कुल स्टीप है ऐसे सीधा का सीधा, तो एक स्पेशल ट्रेन चलती है, शायद अभी चली रही होगी। वैसे मोस्टली सब चीज़ें बंद हो जाती हैं 6 बजे के बाद, अभी 6 बज गए, बट ये मेरे को लोग किसी ने बोला था कि थोड़ा ज़्यादा देर ओपन रहता है, तो किसी ने बोला था अरे वो तो तुम कभी भी कर लोगे, वो तो ज़्यादा देर ओपन रहता है, तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा देर ओपन रहती होगा। तो अभी वहीं जा रहा हूँ उसके स्टेशन पर और आपको लेके चलता हूँ ऊपर, और ऊपर से दिखाता हूँ इंटरलाकन का व्यू, दोनों लेक्स और सेंटर में इंटरलाकन। हार्डर क्लूम अगेन एक बहुत ही फन एक्टिविटी है और इसका बेस्ट पार्ट है कि ये नाइट में काफी देर तक ओपन रहता है, अराउंड 9 बजे तक ये ओपन रहता है। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे है एक बहुत ही स्टीप माउंटेन ट्रेन, और इसे आप माउंटेन कार्ट भी बोल सकते हैं। इसका ट्रैक बहुत ही ज्यादा स्टीप है और इसका 2-way टिकट है 34 francs का। जैसे पिछली वीडियोज में हमने देखा टॉप ऑफ यूरोप, उसी तरह इसको बोलते हैं टॉप ऑफ इंटरलाकन। यहाँ पे है एक बहुत ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट और आपको मिलता है इंटरलाकन का अमेजिंग व्यू। यहाँ के व्यूइंग डेक से जब आप देखेंगे तो आपको इंटरलाकन की दोनों लेक्स दिखाई देंगी और लेक्स के बीच में इंटरलाकन टाउन दिखाई देगा, और चारों तरफ दिखाई देंगे आपको बड़े बड़े माउंटेन्स। आप चाहें तो इवनिंग में ये इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से सनसेट देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। रेस्टोरेंट में यहाँ स्नैक्स लें या डिनर लें और इंजॉय करें ब्यूटीफुल सनसेट को। हालांकि रेस्टोरेंट थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट स्टिल ज्यादातर टूरिस्टिक जगहों पे रेस्टोरेंट महंगे ही होते हैं। और यहाँ के ब्यूटीफुल व्यूज को एंजॉय करने के बाद मैं निकल गया अपने होटल की तरफ। बाकी गाइज मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।